शहर का वायु प्रदूषण कैसे कम होगा? इसके खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी पटना में खुले में कचरा जलाया जा रहा है, साथ ही बिना ढके हुए भवन निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी हैं। सड़कों पर ही निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। इसके अलावा सड़कों की सफाई नियमित रूप से नहीं होने से वातावरण में धूल कण बढ़ गए हैं। पानी का छिड़काव भी प्रमुख सड़कों तक ही सीमित है। बुधवार शाम को स्टेशन क्षेत्र में बकरी बाजार के पास कचरा जलाया गया, इससे इलाके में काला धुआं फैल गया। यहीं पर नगर निगम का कचरा संग्रहण केंद्र भी मौजूद है। यहां से गाड़ियां खुले में कचरा लेकर बैरिया डंपिंग यार्ड तक जाती रही। दानापुर समेत कई जगह खुले में कचरा जलता मिला। बाईपास किनारे पड़े कचरे में आए दिन आग लगा दी जाती है। बुधवार को भी पटना की हवा दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित रही। हालांकि वायु गुणवत्ता सूचांक में कमी आई। पटना का वायु गुणवत्ता सूचांक 317 पाया गया है, वहीं मुजफ्फरनगर 284 और गया का 232 सूचांक रहा। दिल्ली का सूचांक घटकर 214 आ गया है। पटना का वायु प्रदूषण मंगलवार को खतरनाक श्रेणी में था, लेकिन पिछले 24 घंटे में घटकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचांक के मुताबिक पटना, मुजफ्फरपुर और गया का वायु प्रदूषण दिल्ली से ज़्यादा है। आंकड़ों में प्रदूषण घटाने को मंगलवार रात से बुधवार दिन भर इनकम टैक्स से तारामंडल तक पानी का छिड़काव हुआ, इससे वायु गुणवत्ता सूचांक में कमी आई। पटना में तारामंडल में ही ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी स्टेशन लगा है, इसी से वायु गुणवत्ता मापी जाती है। अन्य हिस्से में पानी का छिड़काव नहीं हुआ है, जिसके कारण उस इलाके में प्रदूषण नहीं घटा है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।